दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और अभी आपके सामने है HZS वर्जन 4 और आज तीनों ही कलर एक फ्रेम में अभी आप देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक जो इसका रिव्यू किया था इस वाले कलर का, वो तो आपने देखा होगा, लेकिन कमेंट आ रहा था एक और कि तीनों कलर दिखाओ, तीनों कलर में से कौन से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे, वो फिर जो है आज की वीडियो हम लेके आ चुके हैं। तो फटाफट से सबसे पहले कलर देख लीजिए, तीनों कलर आते हैं इसमें तीन। एक ये जो ग्रे शेड मिलेगा, इसमें जो रिम्स रहेंगे ये आपके जो है ब्लू के कॉम्बो में रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसमें मल्टी स्पोक्स के साथ में। फिर जो दो कलर और रहते हैं यहाँ पे ब्लैक में आपको जो है यहाँ पे गोल्डन थीम देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। रिम्स गोल्डन कलर में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसमें भी, मल्टी स्पोक्स वाले एलॉय रिम्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें, लक काफ़ी अच्छे रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो रिम्स हैं ऐसे कलर में करवाते हैं, तो यामाहा ने कंपनी से इसमें ऑप्शन दे दिया है। इसके साथ साथ ब्लैक में ये रिम अगर आपको नहीं लेने तो आप रेड कलर में ले सकते हैं, रेड कलर में भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस तरीके से। स्टिकर भी आपको जो है यहाँ पर गोल्डन कलर की जो है इसमें पेंट स्कीम में देखने को मिलेगा। तो दो जो कलर आते हैं इसमें आपको ऐसे गोल्डन रिम्स के साथ में आपको मिल जाएंगे, एक में ऐसा ब्लू कलर जो कि सिग्नेचर रहता है यामाहा का, वो आपको जो है रिम्स में देखने को मिलेगा। तो ये तो थी कलर ऑप्शन की बातें, बाकी अब ज़रा इनके फीचर्स की बात करते हैं फटाफट से। अब जो यहाँ पर E20 फ्यूल आया है, फ्यूल जो इसमें अब आएगा ना, वो जो है फ्यूल इस इंजन में भी जो है आराम से जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये इंजन E20 फ्यूल कंपेटेबल इंजन यहाँ पर जो है FZ ने जो है यहाँ पर इसे मिल चुका है FZ को यामाहा की ओर से। तो फटाफट से जो है अब एक्स शोरूम, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, लगभग इसकी 1,28,000 रुपये एक्स शोरूम देखने को मिलेगी, लेकिन ऑन रोड प्राइस अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं उत्तराखंड के हिसाब से तो नीचे नंबर दिए गए वहाँ से आप जो है पता कर सकते हैं, लगभग जो है 160 से 170 के आसपास जो इसकी जो है ऑन रोड जा सकती है, बाकी कन्फर्म आप जो है एक बार पता कर लेना। अब यहाँ पर फटाफट से बात करें, सबसे पहले कलर आप मेरे को बताएँगे आपको कौन सा लगा तीनों में से अच्छा। मेरे को तो बीच वाला जो गोल्डन रिम्स के साथ में ब्लैक का कॉम्बो मिल रहा है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बीच वाला कलर मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी आप मेरे को कमेंट में बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है, चेंजेस सबसे मेजर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये DRLs यहाँ पर एड ऑन हो चुकी हैं, जो कि LED में चलेंगी काफ़ी प्यारी। पहले तो यहाँ पे LED हेडलैम्प्स आती थी, लेकिन ये भी अब एड ऑन हो चुका है, और इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं ना ये भी अब आपको जो है LED में देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं। और पूरी जो अब बाइक है ना लाइटिंग सेटअप के साथ में पूरी जो है LED में हो चुकी है, क्योंकि आगे भी इंडिकेटर आपको ऐसे LED में दे दिए हैं, पीछे भी आप देखेंगे तो पीछे भी जो यहाँ पर इंडिकेटर हैं ये भी LED में दे दिए जा रहे हैं, और रियर टेल लैंप्स भी आपको जो है ये पूरी LED में मिलेगी। अब कलरों का वैसे डिफरेंस है, बाकी तो यहाँ पर लाइटिंग सेटअप मोस्टली सेम टू सेम रहता है। रिफ्लेक्टर्स साइड में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पर पीछे आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर आप फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट सस्पेंशनों में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। और अब मैं बाइक की बात करता हूं फटाफट से। सबसे पहले यहां पर जब बाइक की बात आती है तो यहां पे कई लोग पूछते हैं कि सीट हाइट क्या है, तो सीट हाइट जो है लगभग जो यहां पर अगर मैं बात करूं ऑन डायमेंशन की, तो इसकी ओवरऑल सीट हाइट 790 mm की देखने को मिल जाती है, जो कि आराम से 5.5 वाला तो इसे चला सकता है, आराम से 5.4 वाला भी चला लेगा। वहीं फिर इसके बाद वेट की बात आती है ना, वेट इसका जो रहता है 136 kg का, 136 kg का जो है वेट 150 cc जो है इंजन सेगमेंट की बाइक के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, लाइट वेटेड है। परफॉर्मेंस तो आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा बहुत माइलेज भी चाहते हैं इस सेगमेंट से जो लोग, तो कम वेट होने के जो है उससे तो माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक हो गया, बाकी यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको जो है दोनों में यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी अच्छे खासे जो है थिकनेस के आपको मिल जाते हैं। इसमें यामाहा की आपको स्टिकरिंग प्रॉपर आपको जो है देखने को मिली जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, यहाँ पर फ्रंट में ABS रहेगा, जो डिस्क मिल जाती है आपको फ्रंट में 282 mm की आपको डिस्क दी जाती है, और साथ ही साथ कैलीपर आपको बाइब्री के मिलने हैं। टायर प्रोफाइल जो रहेगी यहाँ पर फ्रंट में जो आपको मिलती है वो मिलती है 100/80/17 inch की, ट्यूबलेस टायर है यहाँ पर जो कि आपको मिलेगा, C8 का यहाँ पर दिया गया है, बाकी इनमें भी सेम टू सेम वही रहता है। बाकी यहाँ पर बाइक लग काफ़ी अच्छी रही है अब की बार, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर काफ़ी अच्छे हो गए हैं फ्रंट से, थोड़ा DRL से अच्छा एक एग्रेसिव वाला सा थोड़ा सा जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छा जो है इन्हेंस कर रहा है। और ये जो क्रोम है ना, क्रोम साइड में जो यहाँ पे दी है टैंक में, ये भी काफ़ी अच्छा जो है इसका लुक बना देती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी जो है लगभग जो देखने को मिलती है वो आपको जो है 13 लीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी, 13 लीटर की जो है इसकी जो है पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो है साइड से आप देखेंगे तो साइड में आपको जो है
नीचे फाइबर में इंजन प्रोटेक्शन काउल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंजन की बात करूँ तो इंजन जो है ना, अब ये है E20 फ्यूल कंपेटेबल इंजन जो आप ये देख रहे हैं ना, E20, ये आपको जो है, ये जो इंजन है E20 जो फ्यूल है ये जो है ये सपोर्ट करेगा। मतलब जो अब आपको जो इंजन ज़्यादातर यही वाले जो है फ्यूल के साथ में चलने वाले मिल रहे हैं, तो इसमें क्या है 20% जो फ्यूल है वो जो उसमें मिक्सचर होगा एथेनॉल का होगा, 80% पेट्रोल का होगा। और इसमें जो पावर आउटपुट जो इसमें रहता है, 4-stroke 2-valve वाला इंजन है ये 149 cc का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है जो है 12.4 PS की 7250 RPM पे, और 13.3 Nm टॉर्क ये 5500 RPM तक जो है प्रोड्यूस कर देगा। टोटल 5 गियर के साथ में जो है इसमें आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। वारंटी जो इसकी रहती है वो 2 साल 30,000 किलोमीटर के जो है साथ में आपको जो है यामा इसमें देता है। बाकी साइड से आप इसमें देखेंगे टैंक पे जो ग्राफिक्स हैं वी कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका जो है ब्लैक और ब्लू का थीम FZS आपका जो है ब्लैक में लिखा हुआ मिलता है। इस वाले में आपको जो है गोल्डन कलर में आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। 13 लीटर के आसपास पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी तो रहती रहती है। बाकी साइड से आप देखेंगे तो ऐसा है साइड का जो है आपका प्रोफाइल। रियर में आते हैं तो रियर में जो आपके रिफ्लेक्टर्स हैं यहाँ साइड में मिलेंगे। ग्रैब हैंडल कुछ ऐसा पूरा वन पीस में आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से सीट ओपन करनी हो यहाँ से आप जो है सीट ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे फुट पेडल्स आपको जो है कुछ यहाँ पे पिलियन के लिए मेटल में दिए जाते हैं। नीचे जो है यहाँ पे मेटल और रबड़ का कॉम्बो जो है यहाँ पे राइडर के लिए दिया जाएगा। पीछे जो रियर टायर की प्रोफाइल है वो भी काफ़ी अच्छी खासी जो है आपको जो है चौड़ी मिलती है। पीछे जो है 7 जो है स्टेप एडजस्टेबल आपको जो है मोनोसॉक सस्पेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का, जो कि आप देख रहे हैं। और पीछे जो है रियर टायर की अगर आप बात करते हैं तो रियर में जो है 140/60R17 का जो है टायर प्रोफाइल है। और रियर में भी आपको डिस्क मिलेगी, लेकिन जो है ये जो है सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है, तो रियर में जो है ABS आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो ट्रैक्शन ऑफ है उसके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर यूनिट यहाँ पर दी गई है डेडिकेटेड। तो डबल चैनल ABS नहीं है, लेकिन ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर डेडिकेटेड यहाँ पर यूनिट आपको जो है देखने को मिलेगी। और पीछे जो है 220mm की ये डिस्क रहती है। बाकी एग्जॉक्स आपको जो है यहाँ पे कुछ ऐसे जो है डुअल टोन कलर में आपको जो है पूरा काउल यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ से कुछ ऐसी लगती है रियर से अगर आप बाइक देखें तीनों कलर ऑप्शन में, जो कि कुछ ऐसी मिलेंगी इस वाले कलर में जो है जहाँ पे गोल्डन कलर आता है ना, यहाँ पे आपका जो है सीटें डुअल टोन कलर में आपको ऐसी देखने को मिलेगी, जो कि कुछ अच्छी भी लगती है इस कलर में, जो कि आप लेना चाहें जो है ले सकते हैं, क्योंकि डुअल टोन काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसमें सीटों में। बाकी यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पे इसके जो है सेंटर मीटर कंसोल की। तो मीटर कंसोल यहाँ पर अभी इसके कनेक्शन नहीं है तीनों बाइकों के, लेकिन मैं मीटर कंसोल आपको जो है दूसरी वाली बाइक का दिखा देता हूँ, क्योंकि उसका भी जो है नई जो FZX आई है उसका भी आपको सेम टू सेम मिलेगा। इसमें जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर्स भी आपको जो है मिल जाते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पर स्विच देखें, स्विच ये इसका हॉर्न का हो गया, ये इंडिकेटर का, ये पास का स्विच हो गया, ये इसका जो है इंजन किल स्विच, यहाँ पे सेल्फ का रहता है ये। बाकी मिरर आपके यहाँ पे इसके काफ़ी अच्छे जो है ऐसे कुछ स्लिम ट्रिम से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विदाउट मिरर भी बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मिरर के जो है साथ ही जो है बाइक चलाएँ तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी इसका जो है मीटर कंसोल ऐसा ही जो है यही वाला अब जो है FZX में भी आ चुका है। तो यहाँ से मैं आपको इसका जो है मीटर कंसोल दिखाऊँ तो ऐसा कुछ रहेगा, पूरा जो है यहाँ पे डिस्प्ले पूरी इस तरीके से अब जो है यहाँ पे मिलेगी। यहाँ से जो है आपको ट्रैक्शन ऑफ करना हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जस्ट प्रेस करना है तो कुछ इस तरीके से ये ऑफ भी हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा दिया गया। बाकी इसके साथ में कंपैरिजन कहेंगे FZX वर्सेज FZS वर्जन 4, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी अब जो मेन चीज़ होती है ब्लूटूथ, जो इसमें जो है यामा का जो है ऐप कनेक्टेड फीचर्स है वो भी आप जो इसमें अगर इनेबल करते हैं तो आपको इसमें कॉल SMS अलर्ट और ऐप कनेक्टिविटी, फ़ोन का जो बैटरी लेवल है वो तो आपको डिस्प्ले में दिखाता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे अगर और जो है आप देख सकते हैं इसमें फ्यूल कंजप्शन ट्रैकर आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन आपको जो है यहाँ पे ऐप में आपको पता लग जाएगा, लास्ट पार्किंग आपने कहाँ करी थी वो भी आपको इसमें पता लग जाएगा, मेल फंक्शन नोटिफिकेशन, रिवर्स डैशबोर्ड या फिर रैंकिंग अगर आप देखनी चाहें आप किस तरीके से बाइक चला रहे हैं, तो ये सारी कुछ आपके जो है फ़ोन के ऐप में आपको जो है देखने को मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों FZS वर्जन 4, तीनों कलर आपके सामने थे। कौन सा कलर आपको अच्छा लगा ये चीज़ मेरे को ज़रूर बताएं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं 150 cc इंजन सेगमेंट की थोड़ी जो है पावरफुल बाइक लेने के लिए,
और प्राइस का जो है सेगमेंट वही 150,000 से 70,000 के बीच में जा रहा है, तो इसे भी आप जो है एज अ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा लाइटिंग सेटअप LED में दिया गया है, डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है। फिर यामाहा के बाइक है तो थोड़ा स्पोर्टी नेचर तो इसका जो है रहता ही रहता है, तो एक बार चला के भी ज़रूर देखें। बाकी यही थी आज की वीडियो तीनों कलर के बारे में, कौन सा कलर आपको अच्छा लगा ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।